बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साजिद भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़रदा पुलाव। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं और कैसे बनाई जाती है, तो आइए मुलाहिज़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने सबसे पहले 1.5 किलो सिला चावल लेना है, उसको 2 बार पानी से निकालना है। और फिर जब आप पानी निकाल कर सिला चावल आपने क्या करना है, तकरीबन 1-2 किलो पानी नीम गर्म कर देना है, उसको इस चावलों में डाल देना है। फिर चावल आपके इस तरह तैयार होने चाहिए गर्म पानी में। ठीक है, ये देखें हमारे चावल तैयार हो चुके हैं और इधर हम पानी उबालने के लिए रखते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हमने देगचा रखा है चूल्हे पर और अपना पानी उबालने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम साथ ही 1/2 चम्मच खाने वाली जर्दे रंग की डाली है। आधी चम्मच आपने नमक की डाल देनी है पानी में। ये देखें दूसरे चूल्हे पर हम अपनी चास तैयार करेंगे। 1 किलो 250 ग्राम चीनी आपने लेनी है 1 किलो 500 ग्राम चावलों के लिए, और 2 प्याली आपने पानी की डालनी है। बंदी ये देखें सब्ज़ इलायची आपने डालनी है और साथ ही रूह केवड़ा डालना है। और आपने साथ ही अपनी चीनी को हिलाते रहना है जब तक हमारा पानी उबलता है। इधर हमारी चास तैयार हो जाएगी। ये देखें चीनी हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखें इतना आपने तकरीबन 1 पाव से थोड़ा कम डालना ऑयल। ये सिला चावल हैं, अगर इसमें ज़्यादा अगर आप ऑयल डालेंगे तो ये सामने नज़र आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा खाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे पानी को उबाला आ गया है। अब हम चावलों से पानी निकाल लिया है, हमने चावल हम इसमें डालेंगे उबालने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम अपने चावलों को उबालेंगे। ये देखें जब इतने आपके चावल गल जाएं, यानी एक कनी रहती हो, तो आपने इनको पानी से निकाल देना है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है देगचे में और इस तरह आपने उबाले हुए अपने चावल इसमें डाल देने हैं। अब आपने इस तरह चावल डालकर 2 मिनट के बाद आपकी चास तैयार है। अब हम इसमें अपनी चास डालेंगे। बिस्मिल्लाह
आपको अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो आपने लाजमी हमारी वीडियो में कमेंट करना है, लाइक करना है और दोस्तों यारों को शेयर करना है। ऐसे ही चास डालने के बाद जब आपके चावल इस तरह उबलें तो आपने इसी तरह फिर इसको दम लगा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आज का हमारा ज़रदा पुलाव तैयार हो चुका है। मेरे रब की शान, ये देखें दाना दाना, आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों ने घर पर ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स में हमें जवाब देना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में आपने जवाब देना है, दोस्तों यारों को शेयर करना है। दो में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। साजिद भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।